भाऊ ये तो क्या बोल रहे हैं, गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। केशव मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। सबर करना भाऊ, इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। कितना पैसा कमाने गए थे तुम? 10 लाख कमाने गए। बस इतना ही? चल आज की अपनी दिहाड़ी मजदूरी लेके आ जा। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ट्रक कहाँ है? कह रहे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते, इधर कितना धूप है। टांग नहीं हटेगा रे, बैठने का तो बैठ। अबे तुझे दिहाड़ी दी तो सही, फिर से क्यों आ गया? अपनी लेने को नहीं आया मैं पुष्पा भाव के लिए आया, आज से भाव अपना मित्र है। पुष्पा कौन है बेबो? वो झाड़ के नीचे बैठा है ना, पैर पे पैर डाल के सेंसा की तरह बीड़ी फूंक रहा है, वही है। वो मजदूर है राजा नहीं, उसको बोल खुदा के लेके जाए। ये आज भले भाव पेड़ के नीचे बैठा है, उसको मौका मिला ना प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। हाँ बकरा है। यार चरण, यहाँ तो सब कुछ खुला खुला है, उसने ट्रक कैसे छुपाया था? या वो जो दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है, दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल। अच्छा ये सरकाने वाला है, दरवाजा बनवा ले और टाइट एटी कर। क्या गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई क्यों बढ़ी बचपन से ही जाए खरीद के लिए।